પણ હું શોર્ટમાં સમજાવી દઉં કે વકફ બોર્ડ એટલે શું, બે મિનિટ ખાલી ધ્યાન આપશો. વકફ બોર્ડ એટલે શું અને કઈ રીતે તમારી સંપત્તિ જપ્ત કરે છે? વકફ બોર્ડ એવું કે આ જે મકાન છે, સમજો બોનીભાઈનું મકાન છે, અને વકફ બોર્ડ એવું કહે છે કે આ અમારી સંપત્તિ છે, તો વકફ બોર્ડે સાબિત નથી કરવાનું કે આ મારી સંપત્તિ છે. બોનીભાઈએ ત્યાં જઈને સાબિત કરવાનું હોય છે કે આ સંપત્તિ મારી છે. સાથે જ વકફ બોર્ડની એક અલગ કોર્ટ હોય છે જે મુસ્લિમોના અંતર્ગત હોય છે. ત્યાંના વકીલો પણ મુસ્લિમ, ત્યાંના જજ પણ મુસ્લિમ. તો તમને શું લાગે છે, બોનીભાઈ ત્યાં જાય તો શું આપણને ન્યાય મળે? એ બોનીભાઈનું ઘર વકફ બોર્ડમાં જ જતું રહે. બહુ દૂરની વાત નહીં કરું, આપણાથી 100 કિલોમીટર દૂર આવેલું સિટી સુરત શહેર, આપણે જે રીતે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ખંડેરાવ માર્કેટમાં ઓફિસ છે ને, એ જ પ્રમાણે સુરતમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઓફિસ છે. એના પર વકફ બોર્ડે દાવો કર્યો છે કે આ જે સંસ્થા છે, આ જે જગ્યા છે, એ વકફ બોર્ડની માલિકીની છે. તે અત્યારે એ કોર્પોરેશને સાબિત કરવું પડે છે કોર્ટમાં કે ભાઈ આ જગ્યા તો અમારી છે. વકફ બોર્ડ ખાલી દાવો કરીને હટી જાય છે, અને એક વર્ષ દરમિયાન તમારા તરફથી જો કોઈ પગલાં લેવામાં ના આવે ને, તો આગળ તમે એપ્લિકેશન પણ ના કરી શકો. આટલો કાળો કાયદો છે આ વકફ બોર્ડ. તો આશા રાખીએ કે આપણે તો આ સ્કેન કરીએ, પણ આપણે જ્યાં નોકરી કરતા હોય ત્યાંનું ગ્રુપ હોય, ત્યાં તો આપણા મિત્ર વર્તુળ હોય, બધાને આ વિષયે જાગૃત કરીએ. કેમ કે જે વિધર્મી લોકો છે, મુસ્લિમ લોકો છે, એ લોકો ખભે માઇક મેકીને પોતાના મુસ્લિમ વિસ્તારોમાં ફરે છે અને લોકોને જાગૃત કરે છે. પોતે બે બે દિવસની રજાઓ પાડે છે અને પોતાના વિસ્તારોમાં જઈને લોકોને જાગૃત કરે છે. ચલો આપણે એ નથી કરી શકતા, તો પણ આપણે સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ સારી રીતે જાણીએ છીએ. કેમ કે આપણે બધા મોટે ભાગેના ભણેલા ગણેલા લોકો છે, અને એ બાજુ જોવા જાય તો મોટે ભાગેના પંચર પુત્રો છે, જે લોકોને ગેરેજ ને પંચર સિવાય કંઈ આવડતું નહીં, એટલે લાઈવ નીકળવું પડે. તો આપણે સોશિયલ મીડિયાનો સદુપયોગ કરીને છેક ખૂનાના કાર્યકર્તા સુધી, છેક ખૂનાના લોકો સુધી આ વાત પહોંચે એવી આશા રાખીએ છીએ. જય શ્રી રામ. अब हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है. इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है. इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है, और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं, और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है. लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में एक अपना एक बोर्ड लगा दिया, और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा. ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में. वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे. लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए, और इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है. और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहाँ इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं. और अदालत के फैसले के बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस इस गांव से हट जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने हटाया नहीं. इस गांव के जिन लोगों को भी वक्फ बोर्ड ने उनके मकान खाली करने के नोटिस दिए, वो सभी लोग अब अंदर से बड़े डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि आखिर इस देश में ये कानून कब और कैसे बना कि वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को अपनी जमीन घोषित करके उस पर कब्जा कर सकता है. तो इन लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये कानून कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान बने थे, जिन्हें यूपीए सरकार ने वर्ष 2013 में और भी ज्यादा सख्त और शक्तिशाली बना दिया था. और अभी हमारे देश का वक्फ कानून कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पर अपना दावा किया है तो आपकी जमीन तब तक वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी जब तक आप इसे खुद अपनी जमीन साबित नहीं कर देते. इस कानून में संशोधन करने के लिए ही मोदी सरकार इस बजट सत्र में एक नया बिल लेकर आई थी, जिसका कांग्रेस और विपक्षी दलों ने विरोध किया, और अब ये वक्फ बोर्ड बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है, वहां लंबित है, और इसे लंबा समय लगेगा. हो सकता है कि इसमें से बहुत सारे जो क्लॉज हैं उन्हें अब हटा दिया जाए.
आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। और वक्फ बोर्ड की जमीनों में इतनी वृद्धि कैसे हो रही है, आप उसे बिहार से आई इस खबर से समझिए, जहां आरोप है कि रातों रात वक्फ बोर्ड ने गांव के लोगों की जमीनों पर अपना दावा कर दिया, और यह भी आरोप है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद बबलू का मकान भी इसी जमीन पर है, जिसे वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन बताया है, लेकिन मोहम्मद बबलू को वक्फ बोर्ड ने जमीन खाली करने का नोटिस नहीं दिया, लेकिन बाकी के हिंदू परिवारों को इससे बेदखल किया जा रहा है। और आज हमारी टीम ने इस गांव में जाकर इन लोगों से बात की और हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड के लोग अब आपकी जमीनों पर अपना दावा करते हैं तो लोगों को वो उर्दू में लिखे नोटिस देते हैं, और जब लोग ये कहते हैं कि क्या उन्हें हिंदी में इसकी कॉपी मिल सकती है तो वक्फ बोर्ड इससे भी इनकार कर देता है। वो कहता है नोटिस भी आपको उर्दू में ही मिलेगा। यानी इस देश में वक्फ बोर्ड की एक अलग ही व्यवस्था और कानून चल रहा है, जिसे आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद और अच्छी तरह से समझ पाएंगे।